गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। आई एम अनम्यूटिंग यू। आप अपने को अनम्यूट करके अपने साइड से आप प्लीज बोल सकते हैं। कैसे हैं आप? नमस्ते, राम राम, हेलो। आवाज नहीं आई आपकी। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? सत श्री बहुत अकाल। बहुत आनंदित है दोस्त। बहुत अच्छा बढ़िया। 5 दिन का समय गुजरा है। नहीं, आज भी अच्छा मैं जाएगा। रजत का पापा बोल रहा हूँ, वीपी सिंह। अरे वाह, क्या हाल है सिंह साहब। रजत ने बड़ी तारीफ करी, पापा बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, आप भी देखो। वेरी अरे वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत गुड। बढ़िया। हमारा सौभाग्य आप प्रोग्राम में है। नहीं, बहुत अच्छा डिलीवरी जा रहा है। द कंटेंट बहुत अच्छा, प्यारा, और जो डिलीवरी का प्रोसेस है, इतने प्यार से डिलीवर हो रही चीजें, वास्तव में काबिले तारीफ थैंक यू सर, थैंक यू। है। बस आपके ये जो शब्द हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। अभी रजत बस दूसरे रूम में बैठा है, मैंने बोला जल्दी से ऑनलाइन हो जा भाई, क्लास में लेट मत हो। अच्छा, गुड चलो गुड, बहुत बढ़िया। और सिंह साहब, क्या गुड, हाल है? सब ठीक है? बिल्कुल आनंदित हूँ। चलो और बहुत अभी बढ़िया। कुछ एक जगह पे क्लैरिटी हमें हमें भी मिली है, क्योंकि इन छोटी नहीं छोटी चीजों में हीरे बिखरे पड़े हैं, नहीं हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है सर। और आप लोगों ने आपने बहुत मेहनत करके जगह जगह से ज्ञान इकट्ठा किया है, और बहुत सहज तरीके से डिलीवर कर रहे हो बिना किसी कॉम्प्लिकेशन मिलावट के। थैंक यू ये सर, भी एक थैंक बहुत यू, अच्छा थैंक विजन और मिशन है, आई यू सर, अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सर, सो नाइस, ग्रेट। और मैं आप हम अभी सबको बोल रहा भी हूँ, भाई साहब कहीं जाने की जरूरत नहीं, मार्गदर्शन में जाके पेमेंट जमा करो, 500 रुपए पहले बेसिक करो, फिर 3,000 बना लो, और ढंग से असाइनमेंट करो, पैसा वापस मैं दिला दूंगा। और मैंने कहा यस। अगर प्रोग्राम पसंद आ गया तो पैसा वापस नहीं मांगोगे, ये भी मुझे प्रॉमिस करो। हाँ, ये अभी हम असाइनमेंट्स पे, हम भी थोड़े से इस प्रोग्राम में हल्के से ढील दी है हमने। कि कुछ लोग, आधे लोग तो बहुत बड़ी असाइनमेंट कर पाए हैं, कुछ लोग अभी भी पीछे हैं। तो ये हमारा इस प्रोग्राम में थोड़ी सी ढील जाने दी है हमने, और इस ढील को हम टाइट करेंगे। क्योंकि असाइनमेंट बिना डंडे के पूरे नहीं होते सर, बिना डंडे के पूरे नहीं होते रियली। क्योंकि सब लोग एंगेज हैं कहीं ना कहीं, गलती किसी की नहीं है, हर आदमी के पास एंगेजमेंट है। जब तक कहीं से प्रेशर नहीं होता, तब तक वो कहीं से टाइम चुरा के उस काम को पूरा नहीं करते। और ये ऐसा कोर्स है, इसके टेक्निकल लिए बहुत कोर्स अच्छा है। तरीका जी इसके लिए मैंने बहुत अच्छा तरीका सीखा। जी उसमें क्या है, अगर कहीं पे भी आपने क्या किया, ग्रुप में मान लीजिए 40 लोग हैं, 20 लोग हैं, जो भी हैं, ग्रुप में पहले दिन का असाइनमेंट पूरा किया, मिस्टर अशोक डन, सतवीर डन, लोकेश डन, वीपी सिंह नॉट डन, रजत नॉट डन, भाई साहब वीपी सिंह की आग लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, तो लाल निशान मैंने लगा के डाल दिया ग्रुप में, ये ट्राई करके देख लेना अगले दिन। नहीं, वो हमने किया तो है सर, हाँ बिल्कुल किया है। ये देखो, हमारे पास यहाँ लाइन खींच के हम किसने डन किसने नॉट डन, वो एक्सरसाइज ये हमने बिल्कुल पूरी की नहीं, है। यहाँ है ऐसे ग्रुप में हाँ डाल दो जरा, तो उसमें हाँ क्या रजत को भी लगे, मैं रजत पकड़ो भाई, तेने असाइनमेंट क्यों नहीं किया, नाम आ रहा है ग्रुप के अंदर, यस, इसको ऑटोमेट करके देखो ये ऑटोमेट कैसे होगा बहुत होमवर्क। बढ़िया इनपुट है आपका, इसको मैं हम जब जरूर यूज करें। सोनालिका कंपनी में था, मैं जब कंपनी में था तो हम लोगों ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था मोबाइल पे, अगर वीकली टारगेट आपका 10 है तो मोबाइल जैसे ही खोलोगे तो 10 में से 3 दिखेगा, अभी तक 3 पूरा हुआ, 7 का गैप आ रहा है, और गैप होगा तो लाल निशान लगा नजर आता था लास्ट में, आदमी को खतरा अच्छे दिखाई अच्छे 6 पैरामीटर है। हाँ तो लाल निशान दिखते ही आदमी, अरे यार लाल निशान चल रहा है, बॉस को यार लाल निशान चल रहा है, तो जल्दी कुछ कर, तो ये देता लाल निशान टेक्नोलॉजी ट्राई करो, इसमें कैसे हाउ वी कैन इंटीग्रेट। जरूर जरूर, बिल्कुल तरीका सर। नंबर एक, आप या तो गूगल शीट पे हो गया डन नॉट डन, गूगल शीट का प्रिंट निकाल दिया, नॉट डन वाले लाल निशान के साथ दिखाई पड़ रहे हैं इसके अंदर, बिल्कुल ठीक बात है। हम तो वी विल डिस्कवर सम वो सॉल्यूशन। अगले वाले बैच में इसको इंटीग्रेट करेंगे, हम पक्का करेंगे। ये वाले बैच को थोड़ी छूट मिल गई हमारे, तो आज उनके पास टाइट होने वाला कार्यक्रम आज। अच्छी बात है। चलो जी, रमन का आज प्रोग्राम तो बहुत अच्छा गया है,
हाँ नमन, नमन की डिलीवरी बहुत शानदार थी, बहुत अच्छी है वो बच्चा रियली। और अभी नमन ने बोला वेबसाइट वगैरह भी काम जाता है, मैंने बोला भाई मेरा काम कर दो, मैं देता हूं। बहुत अच्छे काम करता है वो वेबसाइट का, और बहुत ही सलीके से काम करता है बच्चा। वेरी गुड, चलो ग्रेट सर, थैंक यू सर। अच्छा और किसी के कोई क्वेश्चंस कल वाले सेशन में से या पिछले सेशंस में से? नमन वाले दो जो सेशन है उनके क्वेश्चंस मैं ज्यादा नहीं ले सकूंगा, वो आप नमन से पूछ लेंगे डायरेक्ट। बाकी के कुछ आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं? यस डॉक्टर पिंगले। अच्छा मैंने ग्रुप पे भी डाला था कि वो वेबसाइट का चाहिए करके गूगल एड के लिए, तो मैंने सब कुछ कर दिया और वहां पे अटक गया कि आपका वेबसाइट चाहिए करके। गूगल एड में ना वेबसाइट चाहिए, यस वो बताया था ना मैंने, गूगल एड में वेबसाइट चाहिए। तो किसी का मैं और का वेबसाइट का जो लिंक है इन्फॉर्मेशन लिंक वो उधर डाल सकता हूँ ना? आप डाल सकते हो, उसकी वो पॉलिसी भी डालनी पड़ेगी एक आपको, तो नमन ने बताया था। यू डू वन थिंग, आप नमन को डायरेक्ट कनेक्ट करो, दो चीजें चाहिए आपको, वो आपको वेबसाइट भी चाहिए और पॉलिसी भी चाहिए दोनों। हाँ, और आपका वेबसाइट नहीं है? नहीं है, जल्दी से बनवाओ। एक्चुअली वेबसाइट किया था तो उसका बाद में इतना मींस मेरे पास से डाटा उनको देना ये हो गया, तो वो ऐसा ही नाम के लिए वेबसाइट बन गया था, तो अभी उसका डोमेन नेम भी कैंसिल हुआ रहेगा, एक साल हो गया, एक दो साल। डॉक्टर पिंगले आपका जैसा काम है ना उसमें वेबसाइट चाहिए, आप बनवा लो एक वेबसाइट, आप अभी स्टैटिक बनवा लो, फिर डायनामिक करा देना उसे, आप ओके बनवा लो, भले नमन को ही बनवा दो, दो दिन में आपकी वेबसाइट अप कर देगा। चलेगा ओके। तो आपका ये काम भी प्रेशर में, कुछ काम प्रेशर में बहुत अच्छे होते हैं, वो प्रेशर में निकाल देंगे। नहीं हो जाएगा, चलेगा ओके। चलो ठीक है सर, ठीक है, चलते हैं आज हम अपने लेसन को आगे लेते हैं। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, कैसे हम वीडियोस बनाएं ताकि वीडियो एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो हम बात कर रहे थे उस दिन कि एडवर्टाइज करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, एक पोस्टर में लोगो लगा हुआ यानी बैनर या पोस्टर, इमेज क्रिएट कर लें, हम खुद इमेज क्रिएट कर लें, कितना बढ़िया लगा हम लोगों ने इमेज क्रिएट की। वहीं इमेज से भी ज्यादा जमाना वीडियो का है, अगर छोटा सा वीडियो आपके एडवर्टाइजमेंट का जाता है तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। वो छोटे छोटे वीडियो माउंट करके अगर आप एडवर्टाइजमेंट में भेजोगे तो रियली बहुत ही अच्छे एडवर्टाइजमेंट होंगे, और वो वीडियो आपके सिर्फ प्रोडक्ट के नहीं, आप कम्युनिटी को जो वैल्यू दोगे उसमें आप जो वीडियो भेजोगे वो बहुत काम के होते हैं, लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं कि आपने क्या बनाया है। तो वो छोटे छोटे वीडियो हम कैसे बना सकते हैं, आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। तो मैं सीधे लेके चलता हूँ आपको ताकि हमारा समय, और मैं आपको अभी म्यूट कर देता हूँ, आपके जो क्वेश्चंस होंगे आप मुझे पूछते जाना। यस, तो वीडियो एडिटिंग का आज हम ट्यूटोरियल डिस्कस करेंगे, और ये बहुत सिंपल है। वीडियो हम तीन तरह से बना सकते हैं, तीन तरह से वीडियो बनता है, यानी या तो जो कल हमने या कल परसों एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखी थी, उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को हम एज इट इज वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे इजी तरीका ये है वीडियो बनाने का कि आप सबसे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एक वीडियो में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा तरीका स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यानी स्क्रीन पर कुछ चल रहा है, या वो मोबाइल की स्क्रीन है या आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, आपने उस स्क्रीन पर कोई मूवमेंट हो रही है और आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तरीका। दोनों ही केसेस में आप वॉइस ओवर दे सकते हो, यू कैन वॉइस ओवर योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड यू कैन वॉइस ओवर योर स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जब वीडियो बनाएंगे वो आपका ऑडियो विजुअल बनेगा, समथिंग इज गोइंग ऑन द स्क्रीन एंड अ साउंड इज कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड, आपके पीछे से कोई आवाज आ रही है और आपके सामने कुछ चल रहा है, अगर दोनों चीजें इकट्ठी होती है वीडियो बन जाता है। और वीडियो बनाना इज रियली एन आर्ट, और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फिल्म बनाते हैं, और फिल्म बनाना इतना आप समझते इजी नहीं है, बट वीडियो बनाना बहुत ईजी है, आप बना सकते हैं।
तो आज हम सीखेंगे कि हम वीडियो कैसे बनाएं। तो छोटे छोटे से वीडियो बनाने शुरू करते हैं हम। आज एक वीडियो बनाना सीखेंगे, उसके बाद आप उसे इम्प्रूवमेंट करोगे, आप अच्छे वीडियो बनाते जाओगे। तीसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट एडिटिंग, यानी एडवांस लेवल के वीडियो बनाने और एडिट करना। कुछ प्रोजेक्ट शूट किए और उनको एडिट किया, वो एक ऑप्शन। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पर पहले वाले दो जो है वो बहुत ईजी है। तो आज हम पहले वाले दो पे चलते हैं। मैं आपको कुछ उनके सैंपल्स दिखा देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ कि कैसे लोगों ने वो बनाए। कल हमारी एक क्लास थी और उस क्लास में कुछ लोगों ने वो वीडियो बना के दिए हैं, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे बनाए उन्होंने। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आपने कभी मदरबोर्ड देखा है? जो आपके सामने पिक्चर है, इसे मदरबोर्ड कहते हैं। दोस्तों, मदरबोर्ड है तो सीपीयू है। बिना मदरबोर्ड सीपीयू खाली डब्बा, किसी काम का नहीं। मदरबोर्ड है तो सीपीयू है, सीपीयू इसी से चलता है। मदरबोर्ड होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मदरबोर्ड इज़ अ लार्ज सर्किट बोर्ड वेयर आर ऑल कंपोनेंट्स और डिवाइस आर कनेक्टेड डायरेक्टली। टाइप ऑफ मदरबोर्ड: इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड, डेस्कटॉप मदरबोर्ड, लैपटॉप मदरबोर्ड और सर्वर मदरबोर्ड। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड और नॉन इंटीग्रेटेड
ये वीडियोस आपको दिखाई दिए और सुनाई दिए? अगर आपको दिखाई और सुनाई दिए तो प्लस यस लिख दें, जो मैंने आपको ये दिखाए थे। यस, ग्रेट। अब ये वीडियो इतने आसान है बनाने कि आज ही आप ऐसे वीडियो बनाएंगे। द फर्स्ट वीडियो आई हैव शोन टू यू, दैट वीडियो इज बीइंग मेड और बीइंग क्रिएटेड विद द वॉइस ओवर ऑफ द क्रिएटर। जिस लड़के ने उसको बनाया उसने अपना वॉइस ओवर दिया बैकग्राउंड में। सत्य, आप अपने को अनम्यूट करें, आप होस्टिंग राइट्स हैं आपके पास। यस, आप अपने को अनम्यूट कर लेना सत्य, मैंने कर दिया यहां से। ये पहले वाले वीडियो में सर मैं थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहूंगा सर। सर पूरा पूरा ऐड करें प्लीज। प्लीज स्वागत है आपका लोकमान सर। यस प्लीज। आपकी आवाज नहीं है सत्य, वॉइस इज नॉट देयर। सत्य आपकी आवाज नहीं है। मैं हेलो, आप नेट कनेक्टिविटी देखें अपने सर, मैं वो 2 मिनट रुकना सर, वॉइस क्रैक हो रही है, आपका डेटा कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, चेक करें। दो मिनट ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं, आप करेक्ट कर लें तब तक। विद इन 2 सेकंड लगेंगे सर। ठीक है, अभी सर आवाज ठीक है सर, वॉइस क्लियर है सर? यस, अभी तो दमदार आवाज आपकी। ओके, तो फ्रेंड्स पीपीटी जो पहले वीडियो के ये 3 स्टेज होते हैं सर, मुझे कंटिन्यू करने दे 1 घंटे अभी। यस, मैं फिर स्क्रीन हटाता हूँ अभी। आप स्क्रीन हटाइए। ठीक है। ओके, मैं अभी 1 घंटा आपकी क्लास लूंगा। तो फ्रेंड्स ये सेशन है, ये वीडियो मेकिंग का है, वीडियो मेकिंग एंड वीडियो एडिटिंग। तो आप सब लोग इसमें ट्रेनर्स भी हो बहुत सारे, तो पहले लेट्स हैव सम इंटरेक्शन। सीधे वीडियो एडिटिंग पे नहीं आना, वो चीज समझनी है जो वीडियो क्यों बनाते हैं, इनसाइड वीडियोस का। ठीक है मैडम, ऑन ऑन करना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चैट सेक्शन में खोल के साइड में रख देता हूँ, और यहाँ आप में से हम सर इसमें अनम्यूट करते हैं ना, आप में से पहले ये बताइए कौन ट्रेनर है। जो ट्रेनर है प्लीज टाइप, हाथ खड़ा करें प्लीज। ओके, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि हाउ मेनी वीडियोज यू मेक, द व्हाट टाइप ऑफ वीडियो, द क्वालिटी ऑफ वीडियो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट अप द वीडियो इज मोस्ट। इट इज नॉट अबाउट द वीडियो, वीडियो में इंफॉर्मेशन क्या है और किस तरीके से परोसी गई है वो इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो मेकिंग की एक प्रॉपर साइकोलॉजी है, दिस प्रॉपर साइकोलॉजी और मेकिंग ए वीडियो विच इज हैव सम इम्पैक्ट, उसका कुछ इम्पैक्ट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन इसमें इस एंगेजमेंट में वॉलंटरी आगे आएगा टू फ्रैंक विद यू? 2 लोग हैंड रेस करें अपना तुरंत, दो लोग। और सर इनको अनम्यूट कर देना, यहीं से शुरुआत करेंगे आपकी। बद्री जी आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं अपने एंड से प्लीज। हाँ जी, जिन्होंने भी हैंड रेस किया है दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ्स फ्रॉम देयर साइड। अच्छा अच्छा, रेजिस्टेंस आप बताएं सर, आप क्या प्रोफेशन क्या है सर? हेलो रेसिस जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। बद्रीश जी आप अपने क्या करती मैम? मैं पेरेंटिंग रिलेशनशिप्स एंड आई एम वर्किंग ऑन देयर फाइंड योर पैशन, दीज आर 3 प्रोग्राम व्हिच आई एम डूइंग। ठीक है, पेरेंटिंग का कोई भी एक टॉपिक बताइए, कोई भी टॉपिक, एक छोटा सा माइक्रो टॉपिक, पेरेंटिंग स्टाइल। अब आपको मैं आपको 2 मिनट
हेलो हेलो आई लॉस्ट यू हेलो सत्या योर वॉइस इज नॉट देयर उनका नेटवर्क इशू लग रहा है उन्होंने राउटर चेंज किया है अभी तो लेट्स वेट फॉर वन मिनट वापस ज्वाइन कर रहे हैं अभी ओके सर बहुत बढ़िया टॉपिक है ये वीडियो एडिटिंग वाला रियली और सत्या का इस पर बहुत तगड़ा होल्ड है जब तक सत्या आते तब तक मैं एक सत्या की कलाकारी दिखाता हूँ सत्या ने एक मेरे से वीडियो बनवाया था और जी सर मोस्ट वेलकम यस सत्या मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ सत्या ने एक वीडियो मेरे से बनवाया था जो पहली बार मैंने एक वीडियो बनाया और वो ऐसा स्टनिंग वीडियो बना कि उससे मेरे को रोज कुछ कॉल आती हैं और वो यूट्यूब पर बहुत व्यूज ले रहा है और उसमें मैंने पहली बार कोई वीडियो बनाया था शूटिंग पहली बार मेरा एक्सपीरियंस था और मैं आपको इसको दो तीन मिनट जब तक सत्या लौटते हैं तब तक समय का पूरा सदुपयोग करते हैं जरूर सर जरूर जय हिंद आपको आवाज आ रही है सर आवाज जय हिंद अच्छा ठीक है मैम सूर्य नमस्कार साधारणतः सूर्य को नमस्कार करने जैसी कोई क्रिया नहीं है अपितु तो यह एक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित एक चमत्कारिक लाभ देने वाला योगाभ्यास है इसमें सात अलग अलग प्रकार के आसनों को 12 भाग के क्रम में व्यवस्थित करके किया जाता है और इसके जो चमत्कारिक लाभ है वो जीवन के तीन स्तरों पर काम करते हैं अब ये जीवन के तीन स्तर क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं सबसे पहला जीवन का हमारा स्तर है यह शरीर और शरीर को स्वस्थ रखना फिट रखना हमारा पहला कर्तव्य है और हमारी काया को निरोगी रखने में हमारी मदद करता है कि जब हम सूर्य नमस्कार के योगाभ्यास के दौरान आसन करते हैं तो उन आसनों में हमारे शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां मजबूत बनती हैं जोड़ लचीले बनते हैं रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है गर्दन मजबूत बनती है इसके अलावा जब हम नीचे झुकते हैं और वापस खड़े होते हैं तो पेट पर दबाव बनता है और पेट पर बार बार दबाव पड़ने से पेट अंदर सिकुड़ता है और खुलता है इससे पाचन तंत्र में उपस्थित अपचा भोजन पचने लगता है
और निरंतर योगाभ्यास से अपच और कब्ज जैसी बीमारियां धीरे धीरे शरीर से खत्म होने लगती हैं। जिनका वजन ज्यादा है उनकी पेट के आसपास से चर्बी पिघलकर वजन कम होने लगता है और शरीर प्राकृतिक और सुंदर रूप में आने लगता है। तीसरा लाभ शरीर के लिए इसका ये है कि शरीर के अंदर जो वायु क्षेत्र उपस्थित है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें उपस्थित होती हैं, सूर्य नमस्कार के दौरान बार बार सांस लेने से शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जाती है और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैसें बाहर निकालकर शरीर के वायु क्षेत्र की सफाई करती है। चौथा लाभ यह है कि जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है हृदय की गति बढ़ती है, हृदय से रक्त का संचरण बढ़ जाता है और शुद्ध ऑक्सीजन हृदय के कोशिका कोशिका तक पहुंचने लगती है और हृदय मजबूत होता है। और उसके साथ साथ किडनी भी मजबूत होती हैं और किडनियों के आसपास उत्सर्जन तंत्र में पड़ा हुआ अपशिष्ट शरीर से बाहर निकलने लगता है तो उत्सर्जन तंत्र भी मजबूत होता है, पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, रक्त संचरण तंत्र भी मजबूत होता है। बहुत ही शानदार वीडियो है, तो प्रोफेशनल लग रहा है, बिल्कुल स्पेशल शूट किया हुआ। ये पहला वीडियो था सर मेरा और ये श्रेय इस महानुभाव को जाता है, सत्या को। इसने पहली बार मैं इसके पास गया तो और इसमें बस बाकी कहानी सत्या खुद ही सुनाएंगे। जी जी जी, नहीं वाकई बहुत अच्छा बना है, बहुत शानदार। थैंक यू जी, थैंक यू। और जितने व्यूज इस अकेले वीडियो के हैं और उतने हमारे सारे वीडियोज आज तक हमने बनाए उतने नहीं है, और डेली मेरे पास कुछ कॉल्स इस वीडियो से रिलेटेड आती है। बहुत सारे लोग अकेले वीडियो की वजह से मेरे उसमें मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में जनरेट होते जा रहे हैं। सत्या आप आगे रूम में? यस सर, नेट की थोड़ी डिफिकल्टी है तो माफ करना। देखिए पहले चीज तो ये मैंने आपका वीडियो दिखा दिया है, मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। ओके मैं चलिए, तो ये सेशन बहुत ही रफ एंड टफ रहेगा, अगर किसी को ईगो को हर्ट हो तो प्लीज डोंट माइंड, आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक्सपीरियंस अपने पास रखिएगा, कला अपने पास रखिएगा, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ जहाँ सबके दिमाग चलने बंद होते हैं वहां से स्कूल ड्रॉपआउट सोचता है। क्लियर कट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ लर्निंग के लिए आए हैं तो हो सकता है आपसे छोटे कहें अरे ये तो बकवास है चलेगा ही नहीं, तो आपकी ईगो को हर्ट होगा, क्योंकि यहाँ वीडियो किसके लिए बना रहे हो? सेलिंग के लिए, बेचने के लिए। जब मैं स्लम में था तो बच्चों को वीडियो बना बेचा, कहता भैया बकवास है चलेगा ही नहीं। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, मेरी स्किल्स अच्छी है। जब मैंने 5 वीडियो बनाए तब जब 30 के 30 दिन का ये चलने लायक है सर ये बम फोड़ेगा, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे से ज्यादा इन बच्चों में फर्क है, बिकेगा क्या? आपकी स्किल से कोई मतलब नहीं है, आपके आपके आपका जो करियर जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ तेल लेने जाएगा। यहाँ ध्यान रखिए केवल वही चलेगा जो बिकेगा, जो बिकने के हिसाब से प्रेजेंट होगा वही चलेगा मार्केट में। एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन नोबडी केयर्स, कोई नहीं देख रहा इसको आपका सर, वो पुड़िया बना के अपने पास रखिएगा, कोई नहीं देखता इसको, कोई पूछता तक नहीं उसको, केवल आपका कंटेंट बोलेगा, कंटेंट इज द किंग। और जब आप इंट्रो वीडियो बनाते हो तो वो इंट्रो वीडियो ऐसा होना चाहिए कि आग लग जाए, आग लग जाए, ऐसा इंट्रो वीडियो होना चाहिए। मेरे यहाँ कई सो कॉल्ड ट्रेनर आए 15-25 साल के एक्सपीरियंस, मैंने धो दिया उनको अच्छी तरीके से, लिटरली स्क्रू कर दिया उनको अच्छी तरीके से, बिकॉज दे हैव द इनबिल्ट ईगो की आई एम ए सो कॉल्ड ट्रेनर, और मैं ऐसे लोगों की अच्छी खासी बजाता हूँ। बिकॉज जो उस बंदे में ईगो है वो ट्रेनर है ही नहीं एक्चुअली। तो आप जब इस फील्ड में आए पहली बात, स्पेशली वीडियो एडिटिंग में जब वीडियो बना रहे हो, ये भूल जाए कि आप ट्रेनर हैं। ट्रीट योरसेल्फ एज ए स्टूडेंट, ये भैया मुझे कुछ नहीं आता, मेरा अभी तक एक टैगलाइन है भैया मुझे कुछ नहीं आता। तो जब ऐसे आप स्टार्ट करेंगे तब आपका एक वीडियो आएगा। अगर आप इस पीछे की वीडियो की जो कहानी देखेंगे, आप कितने शूट लिए, कितने रिटेक्स लिए और क्यों लिए, उसका कारण है ये लुकमान। मुझे एक ऐसा बंदा मिला जिसके रीढ़ की हड्डी है,
ट्रेनिंग में बहुत ही लोग मिले, और मैं कहता हूँ ट्रेनर से बड़ा कमीना कोई नहीं होता। 100 में जितने मिलेंगे 1-2-3 अच्छे मिलेंगे, बाकी सबके सब दुष्ट होते हैं, नाम के ट्रेनर होते हैं वो लोग, और ट्रेनिंग के नाम पे धब्बे होते हैं। मेरे पास 4-5 बिजनेस धोखे हुए जिनमें लोगों ने मेरा वर्कशॉप है होटल में, तो वर्कशॉप होटल में ना पैसे दिए, बाकायदा फोटो जारी हम दोनों के साथ साथ, वर्कशॉप करने तक नहीं आए। उस समय मैं होटल में देख रहा था कि करूं कैसे। तो देखिए इसीलिए मतलब आप ट्रेनिंग में जैसा हो वैसा दिखो, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको, बाकी आप देख सकते हो, जैसा हो वैसा दिखो, ये बहुत जरूरी है। तो ये बंदा ऐसा मिला है मुझे जब ट्रेनिंग में आए, उसमें मेरे पास कम लोग आए थे, कहते सत्या अगर नुकसान हुआ तो प्लीज पैसे ज्यादा लेना। मैंने जिंदगी में पहला बंदा देखा जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं उससे, मैंने कहा ये ऐसा बंदा है जो मेरे साथ चल सकता है, दौड़ सकता है। तो मैं इनको, मैंने उनसे एक, देखिए अगर टेक्निकली कहूंगा तो भाई भाई साहब ने मुझसे बहुत कुछ सीखा है, पर मैंने उनसे एक बहुत बड़ी चीज सीखी है कि सब्र कैसे मेंटेन करना है, कैसे ईगो लेस होना है, ये मैंने उनसे चीज सीखी है। तो ये बहुत ध्यान रखिए कि जब आप ट्रेनिंग फील्ड में आए, तो जब मेरे पास आए थे तो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे, जब पहले दिन आए तो पहले दिन मैंने धो दिया इनको तरीके से, ये तब बकवास है चलेगा ही नहीं, और लिटरली 36 रिटेक के बाद इस बंदे के शक्ल पे ना बिल्कुल चूं तक नहीं थी, हंस रहा था। इससे पहले जितने भी आए थे सबको मैं धो दिया, फिर तब चलेगा दोबारा नहीं आए, क्योंकि मेरी कटु शब्द बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, ये सर चलेगा नहीं, मतलब क्या किया आपने कॉर्पोरेट में, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट मैंने बोले। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप, और मैंने इसलिए बोला कि इनका बेस्ट ऐसा में सब दो, जिसने कैमरे के आगे बोलना सीख लिया, जिसने भाव सीख लिए, आप यकीन नहीं करोगे इंडस्ट्री में डोमिनेट कर सकता है वो। ये वीडियो जो आप देख रहे हो, ये वीडियो तब है जब पूरे दिन हमने शूट किया इसको, रीटेक, मैंने यकीन नहीं करोगे मैं खुद पे कभी इतना काम नहीं किया जितना मैंने लोकमान को चमकाने में काम किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरा साथ चले ना किसी भी एंगल से मुझे कम नहीं, हमने जय उड़ी की दो जोड़ी बनाई है ना, दोनों एक दूसरे कंप्लीमेंट्री, कभी कोई डोमिनेटिंग ना हो। तो इसलिए मेरा कोई बड़ा भाई है नहीं, तो पहली बार मुझे लगा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपना बड़ा भाई बना सकता हूँ। घर में तो सब पे मैं अटैकिंग नेचर, मैं वेरी एग्रेसिव, मतलब मुझसे घर में कोई ज्यादा चिक-चिक नहीं करता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। पहला इंसान मिला जिसको मैं, जो जिसकी मैं सुनता हूँ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे कि जब इसमें आए ट्रेनिंग, इस वीडियो मेकिंग इंडस्ट्री में, स्पेशली यू ऑल एड का वीडियो बना रहे हो, एक अच्छा वीडियो निकलने में 1-2 दिन लगते हैं, तब एक अच्छा वीडियो निकलता है जो मार्केट में चलने लायक हो। ये चीज आप गांठ बांध देना कि एक दिन की कला नहीं कि जो वीडियो आपको आ जाएगा, इट टेक टाइम, समय लगता है उसमें, और समय लगेगा उसको सीखने में, समय लगेगा पॉलिश करने में। ये वीडियो जो निकला है ये एक स्ट्रक्चर में निकला है, जब उन्होंने बार बार देर रिटेक, ये बंदा थका नहीं सामने पूरे दिन खड़े होकर किया, तब जाके ये वीडियो आया है। कहते हैं जब तक पेट में वो आग नहीं होती ना, तब चीज सामने नहीं आती, तब ये चीज सामने आ गई। तो वीडियो बनाने की पहली चीज ये है कि वीडियो शुड बी शॉर्ट, वीडियो बहुत छोटा होना चाहिए, 5 मिनट मैक्स, इससे ज्यादा नहीं। लोग कहते हैं इतना ड्यूरेशन है, वो सब बकवास है, इट डिपेंड ऑन द जेनरी, कौन सी क्लाइंटेज उसको देख रही है, सेकेंड किस टाइप की क्लाइंटेज है, और थर्ड आपने कितना एंगेज किया है ऑडियंस को। मैं ये नहीं कर रहा वीडियो एडिट सीखूंगा, मैं बताऊंगा कला बताऊंगा जिससे एक अच्छा वीडियो बनता है। जितने मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं सत्या तू वीडियो एड डिजाइनिंग में एक्सपर्ट है, और मुझे नहीं पता हूं कि नहीं, मैं तो मानता नहीं अपने आप को, मैं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। लोग कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं, पर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। मुझ में एक ही है कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ कमी निकालूं, वो कमी निकालने के लिए जब तक कमी में ये परफेक्ट नहीं है तब तक मैं हानि करता। जितने कोई ट्रेनर आए मेरे को एक वीडियो निकाल ही नहीं पाए, यही पहले बंदे थे जिन्होंने एक वीडियो निकाला का ये पास हो गया मेरे पास। किसी भी व्यक्ति को ये चीज अब वीडियो मेकिंग में आए, आपको निराशा होगी, हताशा होगी, प्लीज एक वीडियो बने, आप सब लोग 25-30 श्लोक में है आराम से, आपका पहला वीडियो ये नहीं होना कि काम चला हुआ है, काम चला होगा तो सबके सामने आपको एम्बेरसमेंट, आपके वीडियो जान लगाइए सर, आप जान लगाइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका, आपका वीडियो जब बने, तो मैं आपसे अभी
पूछना चाहता हूँ, आप जब वीडियो बनते हैं स्टार्ट लोग कैसे करते हैं? हाय आई एम सो एंड सो दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, इतने बंदा स्किप कर देगा कोई आपका एक्सपीरियंस सुनने नहीं बैठा, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस सुनने नहीं बैठा। आप पहले 30 सेकंड में प्रॉब्लम को एड्रेस कीजिए, समस्या क्या है, समस्या क्या है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के बाद थोड़ा उस प्रॉब्लम के बारे में बताइए, देन मिडिल में अपना परिचय दीजिए, तब जाके आपका एड इंटरेस्टिंग होगा। एक एग्जांपल ले लो कोई भी, अभी हम शुरुआत करते हैं मैडम से, देखिए ये टेस्ट होगा, ये जरूरी नहीं अगर हमें एक क्लास और करनी पड़े, डजंट मैटर हम कर लेंगे ठीक है, पर कोई ये चू ना करना इसमें कि सत्य धीरे धीरे चला रहा है, अपने एक्सपर्टीज अपनी एक्सपीरियंस अपने पास रखिए, अगर होते तो आप मेरे पास नहीं आए होते। तो पहली चीज तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मैं टास्क देता हूं, ये सबके लिए टास्क है, सभी जितने 17 लोग हैं स्पीड में, आप टॉपिक चूज कीजिए कोई मैंने टॉपिक, क्योंकि जब तक कि इसके पीछे की साइंस ही समझोगे, वीडियो बनाना मुश्किल नहीं है कोई बना दे, तो क्या वीडियो वो वायरल होने लायक है, क्या वीडियो वो इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएगा, आप में से सभी लोग के पास ये एक्स्ट्रा एज नहीं होगी। मैं चाहता हूं ये एक्स्ट्रा एज, ये जो तलवार आप यहां प्रोग्राम से लेके जाए, ये मेरी गुजारिश है आपसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक टॉपिक जिसपे आप 1 मिनट बोल सकें, एक लिखिए, सब लोग लिखिए, चैट में लिखिए, वो चेंज नहीं कर पाऊंगे, और इसी में से रैंडमली में एक उठा लूंगा प्लीज। ये एक्टिविटी आपके पास, इट नॉट जस्ट वीडियो मेकिंग, वीडियो बनना कैसे, क्या बोलना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो तो कैसे बन जाएगा, अगर एडिटिंग क्वालिटी खराब है लाइटिंग खराब वो चलेगा, पर कंटेंट ही नहीं तो कुछ नहीं चलेगा। ये बहुत जरूरी, कंटेंट किस तरीके से पॉलिश करना है, किस तरह प्रेजेंट करना है, द प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। तो 30 सेकंड आप लीजिए ठीक है, 30 सेकंड, उस 30 सेकंड में डिसाइड कीजिए क्या टॉपिक होगा आपका, व्हाट विल बी द टॉपिक, पहला टॉपिक कौन सा होगा आपका जो आप 1 मिनट में कवर करोगे, अप टू यू, और वही आपको खोल दूंगा मैं, आपको तुरंत वो टॉपिक तोते के बोलना पड़ेगा, ये 1 मिनट यहाँ टाइमर लगा दूंगा मैं आपका। इसलिए ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, उस इस एक्टिविटी में एक आपके अंदर एक बेस्ट निकल के आएगा, छोटी सी एक्टिविटी है। इसके बाद हम आएंगे एडिटिंग करनी कैसे, वो तो आसान है, एडिटिंग अपने आप बहुत बड़ा फील्ड है, मेन है वीडियो की क्या टाइमलाइन हो। चलिए जिसने लिख लिया हो डॉक्टर पिंगल हार्ट ब्लॉकेज, बहुत अच्छा, कृष्णा जोशी हेल्थ इंश्योरेंस, चलिए सभी लोग संतोष जी लोन्स, चलिए आगे सब लिखी जाइए सबको, सब लोग प्लीज, सभी के सभी लिखिए प्लीज, सबके लिए कंपल्सरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। मुझे एक बंदे ने बहुत अच्छा एडवाइस किया इसमें से, वीके सर अंकल है, कि वीडियो बनाने की जब मैं पहला वर्कशॉप गया था उनका, ये चीजें मैंने तुरंत नोट कर दिया। तो कोई भी आपको जब इनपुट देना सर, तो उसको दिल खोल के लीजिए, हो सकता है वो आपसे बहुत सीनियर हो सकता है बहुत जूनियर हो, बट अगर उसकी बात में वजन है तो अपना ईगो यहाँ साइड रख के वो प्लीज, पेरेंटिंग स्टाइल, सभी लोग आप सबसे, वीके सर थे कि वीपी सर थे? वीके सर थे सर। अच्छा तो आप लोग प्लीज लिखिए, सब लोग लिखिए, सभी लोग आपके पास 40 सेकंड का टाइम है, मैथमेटिक्स इज इजी, चलिए बहुत कम लोगों के आए अभी, तो सभी लोग से अभी तो इतना क्यों सोचना है, लिखिए। ओके चलिए, 5:10 में मैं टाइम अप कर दूंगा, लिखिए लिखिए सब लोग,
कोई एक टॉपिक। अच्छा सभी लोग लिखिए प्लीज। मार्केटिंग अब मैं नाम बोलता जाऊंगा, सभी लोग लिखिए प्लीज, जरूर नहीं लिखा वो अपने अपने टर्न के लिए तैयार हैं। पांच लोगों को कॉल करूंगा। फर्स्ट वन रामिया जी, देखिए पहला बंदा होता है वो सबसे वो पहले, तो आप अच्छा ना बोल पाए तो कोई पहले बंदा सबसे एक टास्क लेता है। तो फर्स्ट रम्या जी बोलेंगी एक मिनट, उसके बाद बोलेंगे अखिल जी, उसके बाद मंगई कुमार, उसके बाद डॉक्टर पिंगल, चार लोग मैंने बताए। अब अभी आप लोग एक मिनट का टाइम होगा, आप अपने टॉपिक पे बोलिए। सबसे जो पहले बोला था जो चार नाम है सीरीज में लिए, आप अपने आप का अनम्यूट करें और बोलना चालू करें। सर हेलो, हेलो कैन यू हियर मी? यस हेलो, यस मैम, स्टार्ट मैम प्लीज। या सॉरी आई कांट, आई नीड टू राइट इट आउट। मैम जो मन में आए वो कीजिए, राइट, इसका समय नहीं है, समय नहीं है, ये आपका टाइमर है। मैं इसको स्टार्ट कर दिया, चलिए। एक मिनट है बस। जल्दी मैम जल्दी, जो मन में बोली शर्माइए नहीं। मैं आपको समझ नहीं आ रहा, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट को मैं बोला था वो स्टार्ट करें प्लीज। चलिए नेक्स्ट किसका टर्न था? हेलो नेक्स्ट वन अखिलेश जी, हेलो अखिलेश जी, लगता आवाज नहीं आ रही शायद मेरी। हेलो सत्या आपकी आवाज तो आ रही है। हाँ अभी दूसरे की आवाज जल्दी नहीं आएगी, पता है मैं टास्क दिया ऐसा कि वो सब लोग ग्रुप में हैं, तो कोई बात नहीं, शर्माने की बात नहीं है, हम सब वी आर फ्रेंड्स। देखो हम, देखिए मैं एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, जब ऑनलाइन हम स्टार्ट किए थे, जब स्टार्ट किए थे तो टेक्निकल दिक्कत बहुत आई थी। हाँ तो एक बंदे ने कमेंट लिखा, भाई तू क्या करता है सिद्धार्थ राजशेखर, देख क्या कराता है, क्या स्किल है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उसे कमेंट पे हिटबैक करके लिखा कि जिस दिन बेटा मुझे देख लोगे ना सिद्धार्थ राजशेखर भूल जाओगे, और ये कमेंट उस बंदे को किया है जो इस ग्रुप में है। इस ग्रुप में मैंने कहा मुझे देख लोगे ना सिद्धार्थ भूल जाओगे, तो मैंने कहा ये जज्बा होता है तो ये ध्यान रखना। मैंने कहा सर मैं इंप्रूव कर लूंगा स्किल, तो कहते ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, आप जब आओगे ना आपको लोग धोएंगे ऑनलाइन, ठीक है ना। और लोगों ने तो ऐसे वर्ड यूज किए थे जो टाइम वेस्ट कर रहा हमारा, जब टैगलाइन में मेरे लोकपाल सर भी मेरे सामने है, हमें ऐसे वर्ड यूज किए। बट लोकपाल ने कहा बेटा झाड़ भूख के उठ जा, बेचने के लिए बदतमीज बनना पड़ता है। अपमान जिसका अपमान, जिसका अपमान होगा उसी का ही सम्मान होगा, ये बात ध्यान रखो। तो अपमान की बात छोड़, यहाँ आप लर्निंग के लिए आए हो। चलिए कौन पहले आएगा विद इन वन मिनट? वॉलंटियर सामने आइए। यस सर, वाह योगेश शर्मा जी, योगेश चौहान सर। अरे वाह आपने नाम सार्थक कर दिया अपना, चौहान जी। चलिए चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, स्टार्ट सर। ओके सो मैं बोलना चाहूंगा लाइफ स्टाइल डिजीजेस के बारे में। तो जितना भी मैंने अभी अध्ययन किया है, मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ और तमाम तरह की बुक्स पढ़ता रहता हूँ लाइब्रेरीज में और तरह तरह से, तो मैंने ये जाना है कि हमारे जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं उसका मेन कॉज है हमारा ये हमारा माइंड। क्योंकि जैसे ही हम किसी भी तरह की सिचुएशन में नेगेटिव फील करते हैं तो हमारे यहाँ पर दो सेंसर लगे हैं जिनका नाम है एमिगडाला, और जैसे ही हम कोई सिचुएशन को परसीव करते हैं तो वो हमारे हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करते हैं और वहां से दो नेगेटिव हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल, और ये सारी बीमारियां हमारे शरीर में क्रिएट करते हैं।
और इसका दूसरा है जैसे ही द मोमेंट वी फील हैप्पी, हम कुछ भी पूजा पाठ करते हैं, जैसे कि हमारी संस्कृति रही सुबह उठ के धरती को प्रणाम करना, माता पिता के चरण स्पर्श करना, या नहा धोकर कोई अच्छा स्पिरिचुअल ग्रंथ पढ़ना, और दिन भर कुछ सकारात्मक चर्चा करना, शाम को कुछ अच्छे बुजुर्गों के पास बैठना, तो अच्छी बातें करने से, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से, अपना कोई एक हॉबी पर काम करने से हमारा शरीर चार हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड एंडोर्फिन्स। और जैसे ही हमारे शरीर में रिलीज होते हैं तो बिना किसी दवाई के आप बड़ी से बड़ी बीमारी, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, थायराइड हो, आजकल ये सारी चीजें हो रही हैं, पहले अब तक, आज तक 5 साल पहले तक ये था कि सारी इरिवर्सिबल है, बट आज सारी चीजों पर टॉपिक चल रहा है कि सारी आसानी से टेकअप किया जा सकता है और आसानी से आप इनसे बच सकते हो। सो हमें जरूरत है कि हम कैसे हर समय सकारात्मक रहें, इसके लिए जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए और सही कहते हैं एसोसिएशन रखें, कुछ नहीं है तो किताबें हमारे पास है, और जैसा कि सत्या सर बताते हैं हमारे पास लर्निंग का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने बताया कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं, तो अगर हम एक सही तरीके से अपनी लाइफ को चलाएंगे तो हमें लाइफ स्टाइल डिजीजेस नहीं होंगी। अदरवाइज एक मिनट 40 सेकंड हो गए सर, थैंक यू सर। चलिए ये इनका है पहला, अब मैं कहूं दूसरा, शेर या शेरनी सामने आए प्लीज। हेलो सर। अरे फिर कोई शेर है सर, लगता है कौन है? अरे साहब कैसे सर? चलिए सर मजे में बिल्कुल मराठा हो सर बताओ तो। हाँ चलिए मैं कहूंगा टिक टिक वन, टिक टिक टू, थ्री टिक थ्री पे स्टार्ट करना, ठीक है? तब तक सोच लीजिए, टिक टिक वन। अच्छा जब मैं थ्री करूंगा तब से स्टार्ट करना, ठीक है? टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। अच्छा हार्ट ब्लॉकेज किसको होता है? सिंपल सा बात है, बच्चों को भी पूछेंगे ना हार्ट ब्लॉकेज, तो हार्ट ब्लॉकेज जिसको होगा, जिसको दिल है, दिल रहेगा तो ही ब्लॉकेज होगा, तो नहीं तो नहीं होगा। अच्छा ये हार्ट ब्लॉकेज अगर होता है तो वो कैसे समझ में आएगा एक आम आदमी को? सीने में धड़कन होगी, चेस्ट पेन होगा, स्वेटिंग हो जाएगी, ओके? उसको जब भी चढ़न चढ़ते हैं, जैसे कि रेल का जीरा चढ़ेंगे तो उसके ऊपर ना तकलीफ होगी, उसको सांस फूलेगी, फिर उसको अभी आइडेंटिफाई कैसे करना है? डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप ईसीजी निकालेंगे, एंजियोग्राफी करेंगे, उसके अंदर आपको हार्ट का ब्लॉकेज के बारे में मालूम पड़ेगा। अभी यह हार्ट ब्लॉकेज होता क्यों है? आपका लाइफ स्टाइल, आपके बैड हैबिट्स, टोबैको, अल्कोहल, उसके बाद में अगर आपका फैमिली हिस्ट्री रहेगी तो, और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, और सेकंड बात है डायबिटीज, इसके कारण हार्ट ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। और खत्म, एक मिनट। बहुत बढ़िया, बताऊंगा और कैसे। एक और नेक्स्ट कौन आएगा अपने आप? हेलो, आई एम मंगई, कैन आई स्पीक? अरे मंगई मैम, चलिए चलिए, आप तो स्टोरी टेलर हैं, आप तो अच्छा बोलेंगी। चलिए बच्चा बचपन याद है कि टिक टिक वन वाला, टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, स्टार्ट। हेलो, टुडे आई एम हियर टू स्पीक अबाउट पाथ ऑफ पीस। पीस इज समथिंग व्हिच एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज विलिंग टू हैव, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज एवरीवन फील्स हैप्पी टू हैव पीस। And what is this peace all about? Peace is what it is. Do we really feel that feel happy because we are not sad? Do we really feel abundance because we are not fearful? Why are we so much wanting to be in peace? What is the definition of peace? If suppose we have all our emotions, anger, fear, depression, anxiety, and I've been every of these emotions, can I call myself unpeaceful? No, because every situation is going to change, every minute is going to change. Then by nature's choice, the world has not given us a complete space of... the world has not given us a natural space where we don't have any problems. So with the problems, if we say, I could survive this problem and be happy, that's called peace. So let us find the ways of peace. Thank you. Thank you. Next. May I speak? Yes, ma'am. Are you good? Okay. Good name, ma'am? Kavita. But just a minute. Phir kehte hain tick tick one, theek hai? Tab tak taiyar hai na, 2 minute rukna. Start.
as a parent, do you want to make your child feel happy, confident, and successful? I am sure as a parent, you are actually looking for these things. But yes, you are confused. And you know why you are confused? Because when your child goes to school, there is no beating, there is no scolding, everything is bad. And when the child comes home, you are hearing from the psychologist, from the mental therapist, ki please bachche ko mariye mat, daantiye mat. Ab sawal ye uthta hai, confusion ye hota hai ki unko mare bhi nahi, daante bhi nahi, aur pyar kare to bigad jate hain. Ye bhi humne suna hua hai. So problem ye hai ki aakhir as a parent main karu kya? इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन में जहां ना मारना अलाउड है ना डिसिप्लिन करना अलाउड है और प्यार करें तो बिगड़ जाता है. सो व्हाट इज दैट बाउंड्री लाइन, व्हाट एज अ पेरेंट यू कैन डू टू क्रॉस दैट बाउंड्री लाइन और यू शुड नॉट एक्चुअली क्रॉस. सो टू डू दिस टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल. वंडरफुल मैम, एक चीज बताइए, घर में किसकी चलती मैम? फुल वाओ, कंडीशन कर लीजिए, कैंडिडेट हो गए. घर में किसकी चलती है मतलब? वंडरफुल वंडरफुल ठीक है. फैमिली, हम एक फैमिली है तो थोड़ी देर मजाक कर सकते हैं. दिस इज द बेस्ट वन आई गॉट फ्रॉम दिस ऑडियंस. चलिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन प्लीज. सर मैं स्टार्ट करूं? दो मिनट सर, पांच सेकंड. अब स्टार्ट कीजिए सर, स्टार्ट कीजिए. बात करना चाहता हूं एक आदमी जिसका नाम सत्या है. सत्या का नाम मैंने इसलिए किया कि उसको एक जूझने की हिम्मत है, जो हर समय हर चीज से जूझते हुए बाहर निकला है. आज मैं उसके बारे में बात इसलिए करना चाहता हूं, सारी दुनिया कहीं ना कहीं कुछ चाहती है, उसका मोटिव है कि कुछ उसको कुछ मिले, उसको शांति मिले या कोई चीज मिले. लेकिन अगर आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, आपके मन में यह विश्वास है कि आप दूसरे को चाहते हुए दूसरे को मदद करना चाहते हैं, आपका उसके पीछे कोई मोटिव नहीं है, आप एक दूसरे को आदमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं नहीं सोचता कि इसके अलावा कोई और बेहतर चीज हो सकती है. और इसमें कोई किसी तरह का कोई कंपटीशन हो सकता है या इसमें किसी तरह में कोई भी चीज आपको रोकने के लिए बाध्य कर सकती है. आप जितना आगे चाहें निकलना निकल सकते हैं, जिस आदमी को जितना मदद करना चाहें मदद कर सकते हैं, और इसी जज्बे का नाम है सत्या. धन्यवाद सर. अब सत्या तुम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा नहीं था. बहुत बढ़िया. देखिए रानी लक्ष्मीबाई के समय उनका एक तोपची था, तो एक दिन तोपची ने रानी की बड़ी बड़ाई की, बहुत ज्यादा. तो रानी ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई को पूरी गीता कंठस्थ थी, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक आदत है कि चलिए सर का कॉम्प्लीमेंट है, बस हो सकता है मैं गलत हूं कुछ भी. धन्यवाद सर आपका. प्लीज नेक्स्ट बोले सर, नेक्स्ट कोई. Next, last. Hello. Yes, sir. हाँ सर, अखिलेश बोल रहा हूँ. हाँ जी सर, आप स्टार्ट कीजिए. टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, स्टार्ट सर. मैं अखिलेश हूँ, स्पोर्ट्स एंड फार्म नोएडा से. हम लोग फार्म हाउस बेचते हैं एट अपार्टमेंट के प्राइस में. सेक्टर 151 नोएडा में हमारा प्रोजेक्ट है. 200 एकड़ लैंड के अंदर ये बना हुआ है. 2012 से हम यहाँ फार्म हाउस सेल कर रहे हैं. यहाँ पर 80 से ज़्यादा फार्म हाउस हमने बना के रखे हुए हैं. और इस प्रोजेक्ट की जो खासियत है, ये प्रोजेक्ट जो है पूरा सोलर पावर पे है, और इसमें आउटसाइड मेंटेनेंस सारा हम लोग खुद करते हैं. 30 फीट वाइड रोड्स हैं सारे फार्म हाउस में, सब जगह जाने के लिए पूरा वेल प्लान्ड है. 24/7 सिक्योरिटी है, गार्डेड सिक्योरिटी, और इसके अलावा क्लब फैसिलिटी, स्विमिंग पूल वगैरह एवरीथिंग इज देयर. इसके अलावा इसमें हम एक 5 एकड़ का स्पोर्ट्स एकेडमी लेके आ रहे हैं, जो कि 24/7 आपके आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए होगा. अगले एक साल में ये रेडी हो जाएगा. इसके अलावा अभी रिसेंटली सेक्टर 151A में नोएडा अथॉरिटी का सेकंड फार्म हाउस भी अनाउंस, सेकंड गोल्फ कोर्स अनाउंस हुआ है
जो कि हमारे फार्म हाउस से वॉकिंग डिस्टेंस पे आएगा. सो दिस इज द आइडियल लोकेशन, यू नो, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सेकेंड होम टू एंजॉय इन योर लाइफ इन अ फार्म हाउस. और अभी जैसे इस समय क्वारंटाइन पीरियड था, लोगों ने काफी इंजॉय किया है. सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू विजिट दिस प्लेस एंड थैंक यू. थैंक यू. ओके, अभी जो आप लोगों ने अलग अलग अपने ऑडियो बनाए, और मैं जानता हूँ लिटरली इट विल वेरी डिफिकल्ट, बड़ा डिफिकल्ट होता है ग्रुप में बोलना, और सबसे पहले जो पहले बोलता है उसको सबसे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि बाकी को तैयारी करने का टाइम मिल जाता है. तो पहले जो पहले बोले थे उनके लिए तालियां. कहाँ कहाँ गलतियां हैं जो आपको इम्प्रूव करनी है? सर का लास्ट का था, आपको स्टार्ट कैसे करना, क्या आप ऐसे कहना चाहते हैं जो सोलर पैनल से हो, जो बिल्कुल मेट्रो के नजदीक हो, जहां दूसरा कुल गोर्स आ रहा है, ऐसा चाहते हैं, जहां बड़ी बड़ी बढ़िया रोड है, आपका स्वागत ऐसे फार्म हाउस में जो नोएडा में है. हार्डली 10 सेकेंड, ये सुनो. Yes. ये टेंडेंट होनी चाहिए. देन डॉक्टर पिंगल, आपका हार्ट ब्लॉक में था. डू यू नो लॉट ऑफ पीपल डाई बाई द हार्ट प्रॉब्लम, बट इज इट वेरी इजी टू मैनेज इट? यू वांट टू हियर फ्रॉम मी, आप मुझे सुनना चाहते हैं, ऐसे स्टार्ट करना. तीसरा कौन था? एक मुझे वो मैडम बोल रही थी, अच्छा, पेरेंटिंग के ऊपर, उनकी कार्ड नहीं मेरे पास. बहुत अच्छा बोला उन्होंने. यस, पॉलिशिंग में करा सकते हैं, मेक इट शॉर्ट, थोड़ा शॉर्ट रखें. और अपना इंट्रो पहले दे, इंट्रो लास्ट में दे एक मिनट में, तो इम्पैक्ट ज्यादा होता है. मेरे बारे में कहा, मैं बस इतना ही कहूंगा कि वो तो लोकमा सर बताएंगे, मैं इसमें शायद इतना नहीं बता पाऊंगा. और जो फॉर्म, देखिए मेरे कहने का मतलब है, अभी आप मुझे रैंडमली कोई टॉपिक दीजिए, ठीक है, रैंडमली, ठीक है ना, मैं आपके फील्ड का नहीं, ना मैंने सुना हो तो चीटिंग होगी शायद आपके हिसाब से, ठीक है. रैंडमली टॉपिक दीजिए, मैं टॉपिक आपके सामने लिखूंगा और मैं एक मिनट आग बंद करूंगा, फिर आपके सामने बोलूंगा, ठीक है. राइट द टॉपिक. पहला है ट्रेवल पैकेज. चलिए पहला. दूसरा बताइए, दूसरा कैसे हिमालय पार करना है? ये भगवान, कैसे सर आपका टेस्ट ले रहे हैं क्या सब? यस मैम, बहुत जरूरी है. चलिए थर्ड बताइए, इवेंट मैनेजमेंट हो गया. चलिए अब नाउ ए दो और एनएलपी, एक और टाइप कीजिए रैंडमली आप लोग. एक और डिजिटल मार्केटिंग नहीं दीजिए, मेरे कोर टॉपिक बोल लूंगा, एक कोर टॉपिक जो मेरे कोर करना हो. सिखा कोई भी, कोरोना एस्केप. ओके, अभी 5 टॉपिक है आपके मेरे पास, एक ट्रेवल पैकेज, कैसे हिमालय पार करें, इवेंट मैनेजमेंट, एनएलपी और कोरोना एस्केप. आप मुझे इनमें से कौन से 2 देना चाहते हैं, ऑडियंस आप डिसाइड करें. ट्रेवल पैकेज, हिमालय कैसे पार करें, इवेंट मैनेजमेंट, एनएलपी, कोरोना एस्केप. बताइए कोई भी टॉपिक, कोई भी सब, जिसमें सबसे ज्यादा आएंगे व्यूज, कोई भी 2, आप में से कोई भी 2 देना चाहें, सभी टाइप कीजिए अपने हिसाब से. अखिलेश जी आप डिसाइड करें किसके ज्यादा व्यूज है, उसी को चुन लेता हूँ, ठीक है. चलिए मैं चुनता हूँ इसमें, जो इवेंट मैनेजमेंट आया है, ठीक, जो पहले 5 मैंने चूज किए थे उसी में से ही. आपका इवेंट हो गया हिमालय कैसे पार करें, 2 हो गया आपके सामने लिखा, मैं 2 है. अब जब मैं करता हूँ तो सबसे पहले मैंने कहा इवेंट है, तो पहले आंखें बंद करूंगा और क्या करना है इसके बारे में, इवेंट इवेंट इवेंट.
इसमें स्पीकिंग के लिए ना ये काम नहीं करता इसका माइक। हेलो गाइस, इवेंट मैनेज करना बहुत ही आसान है और बहुत कम दाम में इवेंट मैनेज किया जा सकता है, पर अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि इवेंट मैनेजमेंट बड़ा इजी काम है और बहुत ही इफेक्टिव काम है और बहुत रुपया आप कमा सकते हो कम समय में। इवेंट मैनेजमेंट एक वो फील्ड है जहां बिना स्किल्ड बंदा भी अपने आप को स्किल करके दिखा के इवेंट को मैनेज कर सकता है। क्लियर? ये 40 सेकंड। हिमालय कैसे पार करें? हे भगवान, टॉपिक खतरनाक है। भाइयों बहनों, अगर दिल में जुनून हुए, इरादे बुलंद हैं, तो हिमालय पार करना क्या, हिमालय फतेह करना आसान है। क्योंकि एक ऐसी व्यक्ति बच्ची है जिसके हाथ पांव कटने के बावजूद, रेल पे दोनों टांगे कटने के बावजूद, जब वो हॉस्पिटल में पड़ी थी, उसने कहा मैं हिमालय चढ़ूंगी। तो उसने हिमालय उसी दिन फतेह कर लिया। हिमालय फतेह करना मीन्स अपनी बुराई पर जीत कैसे पाना, वो हिमालय फतेह। तो मैंने आपको छोटे छोटे अपने एग्जांपल दिए जो मैंने रैंडम लिया है। एक ही मतलब है आपके लिए, स्टार्टिंग में यूज द हिटिंग वर्ड तो हिट करे, यूज द इंस्पिरेशनल वर्ड। स्टार्टिंग के 30 सेकंड्स मेन होते हैं, 30 सेकंड में नहीं, स्टार्टिंग के 12 सेकंड अगर आपने एंगेज कर लिया, वो ऑडियंस 50 सेकंड तक रुक जाती है। तो स्टार्टिंग के 50 सेकंड रुक लिया, वो 2 मिनट रुक जाती है, 2 मिनट रुक लिया तो ऑब्वियस है इट विल स्टे 15 मिनट। समझ गए? ये स्टैट आप ध्यान रखें, प्लीज नोट इट डाउन, उसका पीपीटी मैं नहीं दूंगा आपको, ठीक है? फर्स्ट स्टार्टिंग लिखिए, राइट डाउन प्लीज कॉपी में, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं ऑनलाइन, क्योंकि ये मेरी पर्सनल जो मेरी मैंने देखा अपने आपको, पहले 12 सेकंड, 12 सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 12 सेकंड। उसके बाद 50 सेकंड एंगेज करने के लिए, इन दोनों तक 1 से 50 सेकंड नो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन नहीं देना आपको, अवॉइड करना है। फिर लास्ट के उस पर 2 मिनट तक एंगेज करना है ऑडियंस को, अगर वो ऑडियंस टिक गई तो 20 मिनट का वीडियो भी देख लेती है डिपेंडिंग। स्टार्टिंग के 3 मिनट शुड बी वेरी एंगेजिंग, ये चीज ध्यान रखना। तो इस साइकोलॉजी को लेकर चलोगे आपका वीडियो बनेगा, वीडियो लोग देखेंगे, वीडियो पसंद करेंगे। और ये टैगलाइन जब मैं बोलता हूं, मोस्ट ऑफ द अस इस कीन ऑब्जर्वेशन को देखते नहीं कि यार नहीं, वीडियो देखना नहीं, वीडियो लोग ऐसे देखें कि यार मजा आ गया। तो आपका, मैं चाहूं तो आप वीडियो पूरी करा दूं, पर इसमें ये होगा कि मैं अपना पल्ला झाड़ रहा हूं, मैं वो नहीं करना चाहता। आप सबका आज ऐसा होमवर्क होगा कि आप 5 टॉपिक डिसाइड करोगे, कितने, 5 टॉपिक डिसाइड करोगे और उस 5 टॉपिक पे अपने 1-1 मिनट के ऑडियो दोगे, 1-1 मिनट के, चॉइस आपकी, रात आपकी, रात। ये बहुत जरूरी है क्योंकि एड डिजाइनिंग में सिखा दोगे वीडियो, ठीक है, बच्चों खेल है आपको, पर आपको एड साइकोलॉजी नहीं पता लगी तो आप वीडियो बना के भी कुछ कर नहीं पाए। तो आज आपका तो होमवर्क ही होगा कि 5, मैं दोबारा बताऊं, 5 ऑडियो हर एक के आने चाहिए, हर एक टॉपिक के, एंड इट शुड बी स्ट्रिक्टली 1 मिनट, 1 मिनट या हो 1 मिनट ज्यादा नहीं। ये होमवर्क होगा आपका आज का कि 5 टॉपिक 1 मिनट मैक्स आपको बना के देने हैं, ठीक है? ये आपका टॉपिक, ये आपका काम रहेगा। और ध्यान रखना, आप सब जूरी हो, आप सब डिसाइड करो किसका अच्छा आया, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत टफ है, आपको बहुत स्किल देखनी पड़ेगी, पर ऑडियो बनाना आसान है। शिद्दत से ऑडियो बनाइएगा तब आप एड साइकोलॉजी समझ पाओगे। इसी में कलर साइकोलॉजी भी होता है, ठीक है, जो कलर बॉडी लैंग्वेज का भी होता है। तो बहुत जल्दी मैं एक ट्रेनिंग लेने के लेके आने वाला हूँ, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर, आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इस ट्रेनिंग को। तो पहली चीज है, इतना कौन होमवर्क करेगा, टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन, टाइप प्रॉमिस सभी लोग,
ठीक है. यस टाइप प्रॉमिस इन द कमेंट सेक्शन सभी लोग. सभी लोग सबका नहीं आया भी मेरे पास. सभी लोग टाइप करें. सिर्फ ऑडियो चाहिए, ऑडियो वीडियो नहीं. वीडियो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए. ऑडियो, सिर्फ ऑडियो. यस. तो पहला आपका मैंने होमवर्क दिया है कि ऑडियो 5 मिनिमम, ध्यान रखना मिनिमम 5 चाहिए मुझे. मिनिमम 5 चाहिए. हर एक के टॉपिक अलग हो, ठीक है. अगर आप हेल्थ के हो, डॉक्टर हो ना, तो आप डॉक्टर के एक ही टॉपिक होगा. देखिए आप अपने कोर का तो कोई बोल लोगे नहीं, बोल सकते आप. आप एक टॉपिक एक कोर का लोग, बाकी दूसरा टॉपिक आउट होता कोर का लोगे. एक फॉर्म में चलाए तो नहीं, फॉर्म का नकली होगा, पूरी पालन कैसे करना है. हर एक टॉपिक अलग होगा, चॉइस आपकी कौन सा चूज करो, पर टॉपिक सब अलग होंगे, ठीक है. तो पहले आपको आज रात के 8 बजे तक टॉपिक आपको सबमिट कर देना. वो टॉपिक आप चेंज नहीं कर सकते, प्लीज नोट इट डाउन. 8 बजे से पहले टॉपिक कर दीजिए और कल हमारे पास 8 बजे से पहले ऑडियो आ जाने चाहिए आपके, ठीक है. तब हम एसेस कर पाएंगे. जब प्रेशर होगा तो प्रेशर में काम होगा, ये मैंने देखा है, तब आप इजीली कर पाओगे. रात रात आपकी बात आपकी, ठीक है. इस तरीके से आप करें. तो ये मेरा पहला, मैं चाहूं तो स्किप कर दूं सर, मतलब वीडियो दिखा के, पर उसका फायदा नहीं है. मैं भले आप 7 दिन की इंटर्नशिप में आए हो, आगे एनरोल हो ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. बट आपने अपना समय दिया है, टाइम दिया, पैसे की बात नहीं है, समय दिया आपने अपना. उस समय की अहमियत को समझिए आप. चाहे मैंने दिया है, लोकमान ने दिया है, आज 7 दिन जब जाएं यहां से तो आप कहें कि मजा आ गया, कि मैंने उसको सीख के आए हूं या आया हूं. ये मेरा आपका आपका सबमिशन होना चाहिए. तो ये कल आपको सबमिट करना है. ये पहला आपका होमवर्क होगा, ये पहला होमवर्क होगा. और ये सभी को सबमिट करना है. जो सबमिट नहीं करेगा तो मैं गांधी जी में ले लूंगा उनसे, ठीक है, कईयों के लिए. और कल आप सबका ऑडिट होगा. जिन लोगों ने सबमिट लेट किया है उनसे लक्ष्मी जी ले जाएंगी, और नहीं कर पाया उनका कोर्स ब्लॉक कर दिया जाएगा. क्योंकि अभी तो कोर जूस कंटेंट बाकी है, द वीडियो एडिटिंग के पूरी, एड साइकोलॉजी, कलर साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज साइकोलॉजी, ठीक है. असली जूस तो मैंने भी निकालना है आपका. आप में से बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकालूंगा, ये मेरी हमेशा कोशिश रहेगी. तो या तो चुपचाप से आप लक्ष्मी दी दे देना, नंबर तो बताई दूंगा मैं आपको. नहीं सर, वीडियो हम कवर नहीं करेंगे. मैं तो कवर करा दूं वीडियो आपका तुरंत, मेरा कुछ नहीं जाएगा. तो वीडियो बोलना कैसे है, क्या कवर करना है, क्या नहीं कवर करना, कैसे ऑडियंस को एंगेज करना है, वो कला सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको आनी चाहिए. तो 1 मिनट का टास्क दे रहा हूं आप लोगों को. जब 1 मिनट के टास्क में जब कल वीडियो सिखाऊंगा मैं आपको, तब आप में बेस्ट निखर के आएगा. वो वीडियो जब आएंगे बड़े आग लगाने वाले वीडियो होंगे, उनको बात करने में मजा आएगा, डिस्कस करने में मजा आएगा, देखना. वो मैं चाहता हूँ. कितने लोग एग्री करते हैं इससे? अगर एग्री नहीं करते तो आधा घंटा वीडियो एडिटिंग में खींच दूंगा. बेसिक कराना आप लोगों को, कौन सा एडवांस कराना है. कितने लोग एग्री करते हैं? तो टाइप एग्री सभी लोग प्लीज. 23 लोग हैं, सभी का मुझे रिस्पॉन्स चाहिए. टाइप एग्री, ये डेमोक्रेसी होनी चाहिए. टाइप एग्री. हाँ, इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट पूछा, क्या क्या चीजें देखनी है, ध्यान रखना है जब ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं. सर कुछ नहीं ध्यान रखना आपको, बस टॉपिक रखना है, बाबर रिहर्सल करना है. ऑडियो खराब भी आए, आसपास की साउंड आए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. बस यहाँ रखना, हेडफोन लेना, वो हेडफोन से रिकॉर्ड करना, तो आसपास की साउंड ज्यादा नहीं आएगी. और बहुत सारे ऐप आते हैं जो वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप आते हैं, उनमें एम्बियंस नॉइज मैनेज हो जाती है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं. सिंपल करें आप, ठीक है. तो कल आपका सबमिशन होगा 8 बजे से पहले. दूसरा, जिन लोगों ने अभी तक हमने ऑडिट छोड़ रहे थे, कल पूरी टीम एम्प्लॉयज को बैठा दूंगा, वो ऑडिट करें किन किन के लेट आए. तो आप सबसे अनुरोध है ईमानदारी से, अगर लेट हुए हो आपका वो क्या अमाउंट ऊपर हो चुका हो, तो प्लीज चुपचाप से लक्ष्मी जी दे दें, क्योंकि आपकी इंटर्नशिप तो ब्लॉक हो ही जाएगी. दे दोगे लक्ष्मी जी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. एनी फॉर्मेट कंटेंट, कोई कंटेंट हो साहब, कोई भी कंटेंट हो, 1 मिनट चाहिए मुझे आपके. अलग अलग टॉपिक के हो, बस यही, अलग अलग टॉपिक. वो नहीं एक ही कोई टॉपिक है. प्रिंटिंग उठा ली आपने, टीनेज प्रिंटिंग उठा ली ना, प्रिंटिंग है तो अलग किसी और टॉपिक का होगा, इस तरीके से.
तो आपके 8 बजे से पहले आप सबमिट कर दो किन 5 टॉपिक पर बोलोगे आप, ठीक है, और उसके बाद लास्ट 8 पे आप डिसाइड करोगे, कल 8 बजे तक आपके आ जाने चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा कहूंगा जिन्होंने लेट असाइनमेंट कही है, मैंने क्या बोला था, पर असाइनमेंट आके ₹250 फाइन है, तो ईमानदारी से कल आप पे कर देना आज रात के 9 बजे तक। जिनका पेमेंट नहीं आया, जिनका ₹200 से 500 से ऊपर हो गया, उनकी कोर्स हम ब्लॉक कर देंगे बिना बताए उनको, ठीक है। दान दक्षिणा के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ दान कर सकते हैं, ये पेटीएम है, ठीक है सर, इस पे आप दान कर सकते हैं। और आप क्या सोचते हैं, अपने पास रखूंगा, नहीं मेरे पास नहीं, यहाँ नहीं लिखना, अभी ग्रुप में लिखिए सर, आप ग्रुप में लिखिए, ग्रुप में लिखिए। तो आप में से कोई भी कर सकता है, और कल हम दोबारा मिलेंगे इसी निर्जात पर। मैं एक चीज कहूँ, इस ग्रुप, ये ग्रुप हमें बहुत सिखा के जा रहा है, हमें बहुत खुशी है। और अगर आप देखिए, मैं एक ऐसा स्टूडेंट था अपनी लाइफ का, तो हमेशा टीचर की कमी निकालता था, हमेशा हमेशा। वैसे ही मैं आपको चाहता हूँ कि आप मेरी जितनी कमियां निकाले, मुझे सुधरने का और मौका मिलेगा। रही बात गुरु दक्षिणा की, तो मैं आप सब कुछ चीज मांगता हूँ, देने के लिए तैयार हो आप लोग? अगर तैयार हो तो बताइए। चलिए, सबका नहीं आया, चलिए। मेरा आपसे गुजारिश है कि मैं जहां स्लम में पढ़ाता था बच्चों को, वहां की मुझे छत बनानी है उस स्लम में, उस मंदिर की छत, ताकि कोरोना के बाद उसमें एसी लगाना, स्मार्ट टीवी लगाना है। उसके लिए मुझे डोनेशन इकट्ठी करनी है, पर डोनेशन मैं अपनी मेहनत की कमाई कर लूंगा, किसी दान नहीं लूंगा। तो हम आगे कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, आप इसमें अफिलिएट पार्टनर बन सकते हो। कोर्स आप कहीं भी रेफर करोगे, हम आपको 50% शेयर का प्राइस देंगे, उस कोर्स का प्राइस, ठीक है। कहीं भी करो, ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम है, तो कहीं भी आप रेफर करो। हम चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके हम उस मंदिर को बनाकर उसमें अपना क्लास स्टार्ट कर सके। तो इतना ही आपसे चाहता हूँ, मैं दान नहीं चाहता आप लोगों से, बस ये चाहता हूँ कि आप लोग अफिलिएट बन जाएं। हम आपको कोर्स का लिंक दे देंगे, जहाँ जिस ग्रुप में आप फेंकोगे उसका डेटा ट्रैक होगा हमारे पास, कोई पेमेंट होगा उसका पेमेंट पे एग्जैक्ट लिंक होगा कि भाई ये पेमेंट, उसको हम दे देंगे। चॉइस आपकी है, अगर आप रखना चाहें 50% अगर रख सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहें तो आप डोनेट कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो इस मिशन में मेरे साथ रहें, ताकि हम बहुत बड़ा कर सकें। एक ने मुझसे पूछा सर तब लक्ष्य क्या है, लक्ष्य मेरे हर दिन बदलते हैं। आज 7-8 दिन हो चुके हैं मैं लगभग 1 से 1.5 घंटा सोया रात में, ये लोकपाल सर मेरे पास जानते हैं, आई एम कटिंग सम पर्सनल। तो कई बार मेरे माता पिता मेरे परेशान हो जाते हैं, और मुझे ये नहीं पता लग रहा कि आज मैं 7 दिन से हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं आंखें बंद करता हूँ तो रात के 3 बजे के भजन सुन रहा था, डांस कर रहा था, तो आई डोंट बिलीव हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं नहीं पता क्या आएगा, नहीं 10 दिन बाद क्या होगा मेरे साथ, ठीक है, क्या थिंकिंग रहेगी मुझे नहीं पता। हो सकता है कि सत्य बंदा ऐसा कर रहा हो, नहीं, कई बार उस शिक्षा जो चाहता है वो करवा लेता है। मैंने शिक्षा मार्गदर्शन जो लॉन्च किया, एक बंदे हर बच्चे को स्मार्टफोन दूंगा, मेरा भाई कहता भाई क्या टूटे डूबेगा क्या, अगर मैं दिखाऊंगा अपने घर के आगे मेरी बाइक टूटी हुई है, मैं इतना अमीर नहीं हूँ, मैं नॉर्मल बंदा आपकी तरह, बहुत अमीर नहीं, साधारण बंदा हूँ, पर कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल फोर्स कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करा देती है। और लोकमान सर तो कहते हैं भाई तू अनाउंस कर देता है, मुझे पीछे आके कवर करना पड़ता है। मुझे नहीं पता, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आध्यात्म एक ऐसा फील्ड है, एक खास स्टेज की बात जो सिस्टर चाहती है आपसे करवा लेती है। और मैं आज एक बाप से बात कहता हूँ, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना नहीं, सन 2009 में मैंने भेजा है कुछ लिख के, मैंने सन 2009 में मैं घर से भाग गया था अपने, ठीक है, घर से भाग गया, पिताजी पीछे आए, भाई कहाँ भाग गया, गांव चला गया, स्कूल में जा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, तो पीछे समझ नहीं मैं कर क्या रहा है। तो पापा मेरे जीटी अफसर के पास लगे, कर्नल नाम भूल गया उनका नाम था, तो लेके गए। तो और मेरा कहता था कि अफसरों को बड़ा मजाक उड़ाता है इन आर्मी के,
बहुत मजा, क्योंकि वो बीपीटी में फेल हो जाते थे अक्सर, कई बार अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं अफसर की कोई वाइफ, मैंने अभी तक दूध लेने जाते नहीं देते, गुस्सा रहता अफसरों के लिए मेरे मन में हमेशा और रहेगा हमेशा, खासकर सेना के अफसरों के लिए। नेवी के अफसर वो ठीक होते हैं, मुझे पता सेना के अफसर कैसे होते हैं, मैं तो उचेलता हूँ अच्छी तरीके से हो जाता है, तो ये मैं उनकी खिल्लियाँ उड़ाता था बैठ के, और बाकी तो बताया, तो ये मेरी आदत थी। तो वही एक लेफ्टिनेंट जनरल जी डी सिंह थे, वो कई बार आते थे देखते रहते थे, और मैं लाइब्रेरी की बुक पेपर में कवर कर लेके जाता था और कवर करके ही देगा था, कहते ये एक लड़का ऐसा है जो, और मेरे पापा अकाउंट संभालते थे लाइब्रेरी का, तो अनलिमिटेड बुक्स उठा के लेता था। तो जब उन्होंने मुझे भेजा, आधे घंटे तक हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा तुम क्या बनना चाहते हो, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैंने कहा मैं नेता बनूंगा, तो कहते नेता बनेगा, मैं हाँ क्या बनेगा, मैं पीएम बनना मुझे, तो चलो मार देंगे, मैं उनको पैर ठोक दूंगा। तो इस तरीके से बहस होती रही, उन्हें पूछा एक बात बता कि अगर तेरे पास एक कार वाला आ जाए, तेरे पास अच्छी कार है और अचानक चौके लोग आ जाए क्या करेगा, मैंने कहा सर पहले चाकू का साइज देखूंगा मैं। वो मेरे पापा के पास गए, उन्हें पापा से एक बात की, सर अगर आप इस बच्चों को समझ पाए तो एक दिन इसकी तस्वीर सरकारी दफ्तर में लगेगी, अगर नहीं समझ पाए तो इस पर साइकेट्रिक अटैक होगा। बस मैं इसी शब्द के साथ में खत्म करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, बट इतना अगर जीवित रहा तो राज करूंगा, बस इतना कहूंगा, और भविष्य का मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, एक ही ख्वाहिश है बस, कि इस देश की गद्दी को संभालना है, यही टारगेट है कि बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो आपके सामने बोल रहा हूँ, थोक के अनाउंसमेंट करके बोल रहा हूँ, और ये आने वाले 5 साल में करके दिखाऊंगा, पूरा प्लान तैयार है मेरे पास, पूरा प्लान कैसे करना है। ठीक, चुनाव से पहले एक नेता को गोली मार दो, सर काट दो उसका, अपने जाने के बाद 550 सेना के अफसरों का नाम देख जाओ, जिन्हें वीर चक्र शौर्य चक्र लिया हो, क्रांति उसी दिन आ जाएगी। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग की फौज तैयार कर रहा हूं, यही एक लक्ष्य है और यही जज्बा है, बस यही करना है। इसलिए मैंने अभी तक आप मेरे कहीं भी डिजिटल प्रेजेंस नहीं देखेंगे, कहीं फोटो देखेंगे, गुमनाम रहना है और क्रांतिकारी साहित्य बन के पढ़ के पैदा हूं, भगत सिंह मेरा रोल मॉडल है सर। मैं आने वाले लोकसभा चुनाव में मैं पीएम बन के दिखाऊंगा, मैं यही ख्वाब लेके पैदा करूं, इसलिए इतनी फास्ट ट्रैक से काम कर रहा हूं। मुझे नहीं पता क्या है पर कुछ करारी सिस्टम, कहीं नहीं बोला है कुछ करारा है, मैं ज्यादा नहीं बोला, दिल्ली ख्वाहिश बता रहा हूं, इसी मकसद से मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप गद्दी नहीं संभालोगे तब तक समाज निर्माण नहीं कर सकते, बस यही सर। मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, बात अलग है, ऊपर वाला जाने, पर कर्म करना मेरा काम है बस। चलिए सर, लोकमान सर हमारा सेशन खत्म हो गया, ठीक है, और नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप सबका हार्दिक अभिनंदन, इतना समय दिया, जो दिल में था मैंने बोल दिया और जिसके लिए जीरा मैंने बोल दिया। सर क्लास एंड करें सर, गुरु जी बहुत शुभकामनाएं सर हमारी तरफ से। जिन लोगों के असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गए उनको हम सर्टिफिकेशन कर देंगे, जिनके असाइनमेंट्स नहीं हुए उनको सर्टिफिकेशन में इशू रहेगा, तो हम चेक कर लेंगे। आप अपने असाइनमेंट्स का रिकॉर्ड हमें भेज देंगे प्लीज, कि आपने 7 दिन में कितने असाइनमेंट्स किए हैं, कितने रह गए हैं। तो आज के ये जो 7 दिन का आपका कोर्स था आज पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा सर, एक क्लास बाकी इनकी वीडियो एडिटिंग की। कब लेंगे? मैं कल लूंगा सर। वीडियो एडिटिंग बनाना? यस सर। ठीक है, आपको ये आज हमारी क्लास पूरी नहीं हुई तो कल हम एक क्लास और ले लेंगे, ये 7 दिन का कोर्स 8 दिन में हो जाएगा। आज का कोई असाइनमेंट है क्या सत्य? सर दिया है असाइनमेंट, आज का असाइनमेंट सबसे टफ दिया है सर। बहुत बढ़िया, तो कल भी आप सेम टाइम 4:30। यस सर, थैंक्स अ लॉट फॉर लवली ऑडियंस, फॉर आपका इतना प्यार, कल प्लीज सबमिट कर देना अपना असाइनमेंट। सर क्लास को एंड करें सर। यस प्लीज, थैंक यू जी, थैंक यू ऑल।